सो ये गाइस कैसे हो सारे बच्चे। पिछली वीडियोस देख के आए होंगे होपफुली। अब तक हम लोग +8 मार्क्स कंफर्म कर चुके हैं अपनी +4 सीरीज में। आज एक नया टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके कंसेप्ट बच्चों को समझ ही नहीं आते हैं। बड़े बड़े टीचर से पढ़ने के बाद नहीं समझ आते हैं, क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो आज मैं तुम्हें इस 25 मिनट की वीडियो में कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन करने के तरीके भी बता रहा हूँ। तो हम आज इसका एक मेजर टॉपिक पकड़ेंगे, उसका नाम है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे बच्चों तो देखोगे नस्ट इक्वेशन से 80% तक क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेंस में। ठीक है, तो तुमको एक होमवर्क दूंगा, इसके बाद तुम्हें इस पूरी वीडियो को देखने के बाद PYQs कर लेने हैं, PYQs कर लेने हैं, वरना फायदा नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 20 PYQs तो तुम्हें सॉल्व करने हैं इसी टॉपिक के। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या भाई? आज है हमारा टॉपिक का नाम नस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सब टॉपिक है वो है नस्ट इक्वेशन एंड इस एप्लीकेशन। इसके ही आ रहे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन पूछ लेगा, छोड़ देना, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, नस्ट इक्वेशन से। और बच्चों को समझ भी नहीं आता भाई, तुम्हारा भाई यार सबको समझा रहा होगा। डिवाइड करते हैं सीधा अपना लेक्चर नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। भाई ध्यान से देखना, नोट्स सारे मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, चिंता मत करना, लेकिन अभी ध्यान से देखो और लिखते जाओ जो भी मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, तो अगर थोड़ी सी तुम थ्योरेटिकल भाषा में पढ़ोगे तो ये बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है, तो तुम्हारा रिलेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर ऑफ द एंड रिएक्शन क्वोशेंट। भैया ये क्या बकचोदी है, मेरे को नहीं समझ आ रही। ये देखो यहाँ पे आ जाओ सीधा, ये होती है बेसिकली तुम्हारी नस्ट इक्वेशन। तुम्हें फालतू की झंझटों में डेफिनेशन में पढ़ना ही नहीं है। ये तुम्हारी नस्ट इक्वेशन है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 क्यू। ठीक है, अब भैया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट माइनस आर टी एन एफ और एल एन ई क्यू। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसको ऐसे करके क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसमें तुम आर की वैल्यू डालोगे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे, एफ की जो कि फेराडे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डालोगे, और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 0.2303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है वो आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 को हम 0.06 भी लिख सकते हैं अपॉन एन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और क्यू है हमारा रिएक्शन कॉन्स्टेंट बेसिकली। ठीक है, तो यही सब मैंने यहाँ पे बताया, ये रिएक्शन रट लो, ये सॉरी इक्वेशन रट लो। ई सेल इक्वल्स टू क्या है हमारा, सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल क्या भैया, हमारा सेल पोटेंशियल अंडर एसटीपी, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है एसटीपी पे, वो सेल पोटेंशियल हमारा ई नॉट है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन, जो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए रेडॉक्स रिएक्शन में वो है। ठीक है, और क्यू क्या है तुम्हारा, रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो कुछ हमारी बातें हो गई। भैया मेरे को एक बात नहीं समझ आई, ये पोटेंशियल है क्या, ये सेल पोटेंशियल होता क्या है? तो मैं तुमको बेसिक बेसिक समझा दे रहा हूँ, हल्का हल्का समझा दे रहा हूँ। देखो मान लो तुम्हारा ये एक डब्बा है, देखो +4 सीरीज मुझे सब नहीं समझाना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें आता होगा, लेकिन मैं कंसेप्ट पकड़ना चाह रहा हूँ तुम्हारा, तो मैं बता देता हूँ। ये तुम्हारा डब्बा है, तुमने कोई भी एक डब्बा ले लिया। ठीक है, डब्बे में तुमने रॉड, दो रॉड भिगो दी। ठीक है, दो रॉड भिगो दी, कोई भी दो रॉड है, मेटल की हो सकती है, किसी चीज की भी हो सकती है रॉड। और तुमने क्या करा, इन दोनों एंड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब जब तुम इसको करंट, यहाँ पे तुमने कुछ पानी पानी भर दिया या फिर तुम कुछ भी सब्सटेंस भर सकते हो जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। अब होगा क्या भैया, अब होगा क्या, इस या ये जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव से हमारा जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है रॉड उसको हम कहते हैं एनोड। तो होगा क्या, जब तुम बैटरी, जब तुम स्विच ओपन करोगे बैटरी का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है और ये लिक्विड भी कंडक्टिंग है। तो बेसिकली इस साइकिल में इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फ्लो होने लगेंगे। समझ आया, समझ आया नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया भैया। इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे और तुम्हारा करंट क्या होता है, इधर से इधर की तरफ जाता है। तो तुम मत कंफ्यूज हो, बेसिकली तुम्हें देखने को मिलेगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे और ऐसे निकलते निकलते वापस इसमें आ जाएंगे। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा है। और अगर चार्ज एक प्लेस से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो भैया इनके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल, उसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। इतना समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया भैया। ज्यादा इतना कंसेप्ट में मत घुसो, सीधा एक क्वेश्चन बढ़ानी होती है हमको, वो तो मैंने बता दिया कि तुम लोग को भैया कुछ बताया नहीं हमने। ठीक है, चलो अब देख लो भैया, ये सेल पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को, उसको हम ई नॉट सेल कहते हैं। और भैया वो निकालते कैसे हैं, देखो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है,
ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जो बेसिकली हमने कैथोड बनाई थी उसका रिडक्शन पोटेंशियल, भैया वो क्या होता है बता रहा हूँ, चिंता मत करो, बट अभी ट्राई करो जितनी चीजें अभ्यास कर सकते हो। और भैया एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली अगर तुम्हें कहीं भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का दिया है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का दिया है तो तुम ये ई सेल निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, सॉरी ई नॉट सेल निकाल सकते हो। एक बात का और ध्यान रखना है तुमको, जो तुम्हारा ई नॉट आरपी होता है, ई नॉट आरपी होता है वो निगेटिव होता है ई नॉट ओपी के, ठीक है। जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बेसिकली वाइस वर्सा भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको हम ध्यान रखें तो हम क्या कर सकते हैं, ओपी की जगह, हम माइनस ई नॉट आरपी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमने वही चीज लिख दी है। तो इससे क्या होगा, तुम दोनों दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल पे खेल सकते हो। अगर तुमको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कैथोड और एनोड का, तुम तब भी लगा सकते हो। तुम्हें एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, एक का ऑक्सीजन पोटेंशियल लगा है, तब भी तुम ई नॉट सेल निकाल सकते हो। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, अभी तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, देखना कि भैया इतना आसान भी हो सकती है चीजें। एक मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ जो तुमको नोट करनी है, लोन, LOAN, LOAN, ये तुम्हारी बहुत काम की ट्रिक आएगी। कैसे भैया, लेफ्ट साइड में जो भी चीज दी होती है सेल रिप्रेजेंटेशन में वो होती है एनोड, एनोड क्या होती है नेगेटिव साइड पे जुड़ी होती है, और भैया एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। LOAN से तुम याद कर सकते हो ये चीज, ठीक है। एक फॉर्मूला और याद कर लेना या नोट कर लेना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अभी ऐसा लग रहा हो भैया कितना चीजें करा रहे हो, भाई रुको क्वेश्चन देखो, देखना तुम अभी मैं जो बता रहा हूँ बस एक बार नोट करते जाना, ठीक है। डेल्टा जी क्या होता है भैया, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। एन क्या होता है, जो हमने ऊपर एन देखा था वही वाला एन है, यही वाला एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ रिएक्शन, ठीक है। और एफ क्या, तुम्हारा फैराडे कांस्टेंट, वो भी हमने ऊपर देखा था। और ई नॉट सेल हम निकाल लेंगे। तो अगर तुमसे कभी डेल्टा जी पूछा है, ठीक है, और तुम ई नॉट सेल तक पहुंच जा रहे हो तो तुम बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई। चलो भैया इतना हमें समझ आ गया, अब जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा दो तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। भैया हम समझाते एग्जाम्पल से, देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे, देखो नोट कर लेना अगर तुमको लग रहा है और समझते जाना। Zn Zn2+ और H+H2, ये क्या है भैया समझ नहीं आया, देखो ये हमारा तरीका होता है सेल रिप्रेजेंटेशन का, सेल रिप्रेजेंटेशन का। अब हमने क्या कहा था, लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो एनोड होगा, तो भैया लेफ्ट साइड में कौन आपका प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला हमारा एनोडिक हाफ सेल है, बेसिकली ये वाला हमारा एनोडिक हाफ सेल है, जो तो मैंने बताया था ना ऐसे भीगे डिब्बे, सॉरी ये जो दो इलेक्ट्रोड मैंने बैटरी में लगाई थी, तो ये वाला जो लेफ्ट में है, ये वाला जो लेफ्ट में है ये हमारा एनोड है, यानी कि जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव होता है ना, देखो नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव साइड में एनोड लगा होगा, यानी कि Zn Zn2+ वाली रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हो रही है, तो ये हमारा एनोड है, इतना समझ गए। तो भैया Zn हमारा समझ आ गया एनोडिक हाफ है। एनोड, एनोड में क्या हो रहा होता है भैया, एनोड में हमारा होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया भैया, जीरो पे था भैया, जीरो पे था, जीरो पे था जब हमने बैटरी का स्विच खोला तो वो Zn2+ में हो गया, यानी कि माइनस दो चार्ज उसमें से चला गया, समझ आया नहीं आया, माइनस नेगेटिव पे दो चार्ज चले गए, यानी कि वो पॉजिटिव हो गया। अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो भैया वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो था, यहाँ पे टू प्लस हो गया, तो भैया अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यानी कि वो एनोड है। कुछ ज्यादा दिमाग में खिचड़ी मत पकाना, बेसिकली जीरो से अगर हम प्लस टू में जा रहे हैं यानी कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन। अब अपना आगे बढ़ते हैं, अब अपना आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं, अब तक तो हमने नस्ट इक्वेशन देख ली थी, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ट्राई करने का, सब लोग ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो कर लिया होगा तुमने होपफुली ट्राई, पॉज करके एक बार एक क्वेश्चन बिड़ा के देखो जो मैंने ऊपर बताई थी, ई सेल इक्वल टू ये सब, ठीक है। चलो तुमको भैया एक एक चीज दी हुई है Zn, और तुमको भैया Cu2+ दिया है, Zn2+ और Cu, ऐसे करके एक तुमको रिएक्शन दी गई है, उसके तुम्हें कंसंट्रेशन दिए गए हैं Cu2+ के और Zn2+ के, तुमको कंसंट्रेशन दिए गए हैं। तुमसे क्या पूछा भैया, इस सेल का ई सेल बता दो, ठीक है। अब एक बात को और ध्यान रखना, तुम लोग को ध्यान रखनी है सब चीजें, कि अगर तुमसे ई सेल क्वेश्चन में दिया गया है फिर कहीं पे ई नॉट सेल दिया गया है, ठीक है, तो बेसिकली समझ लेना वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, बेसिकली वो लिखना नहीं चाह रहे हैं, उसका ये मतलब ही है। तुम्हें ई आर पी ऑफ सेल निकालना है, तुम्हें ई आर पी
ई नॉट आरपी ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। इसका यही मतलब होता है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है, यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है, तो उसको हम क्या दे देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही मान लेंगे। अब देखो हमें समझना है पे एनोड कौन सी है, एनोड कौन सी है, तो एनोड कैसे निकालेंगे भैया, देखो जहां पे एनोड में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है। LON से हमने याद करा था, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देख लो भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहे हैं, Zn, Zn 2 प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रो जो एनोड आ गया, जो एनोड आ गया, एनोड आ गया, वो क्या हो गया, Zn से Zn 2 प्लस, ठीक है, ये हमारा एनोडिक हाफ आ गया। भैया कैथोड कैसे निकालेंगे, तो बचा हुआ कैथोड हो गया, प्लस 2 से जा रहा है ये जीरो में, ठीक है, प्लस 2 से जीरो में जा रहा है Cu, तो भैया ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, कैथोड पे, तो हमारा कैथोड आ गया, कैथोड पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ठीक है, क्या था, Cu 2 प्लस से Cu में चला गया, ये हमारा हो गया कैथोडिक हाफ, हमें एनोडिक हाफ आ गया, हमारा कैथोडिक हाफ आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम इस सेल का क्या निकालने बैठ रहे हैं, ई सेल निकालने बैठे हैं, ई सेल निकालने बैठ रहे हैं, तो ई का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, एन की वैल्यू 2 है, क्यू है भैया एल की वैल्यू 2, 2 से 0 में जा रहा है, 0 से 2 में जा रहा है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो एन की वैल्यू हमारी 2 आ गई, एन इक्वल टू 2 आ गया। लॉग ऑफ Zn अपॉन Cu कैसे आ गया, ये हमारी रिएक्शन थी, प्रोडक्ट 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 का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, एलन क्यू का वही मतलब होता है, और ये दोनों तो सॉलिड में है, ठीक है, तो इनका हम कंसेंट्रेशन नहीं लेंगे, ठीक है, आयंस का लेंगे खाली, ओके। तो इतनी इक्वेशन समझ आ गई होगी। ई सेल हम कैसे निकालेंगे भैया, ई नॉट सेल माइनस 0.059 या फिर 0.06, एन की वैल्यू 2 है, लॉग ऑफ Zn अपॉन Cu 2 प्लस, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आती है भैया ई सेल निकालने के लिए हमको ई नॉट सेल भी तो चाहिए होगा, ई सेल निकालने के लिए हमको ई नॉट सेल चाहिए होगा, ई नॉट सेल कैसे निकाले, अब सबसे बड़ी खिचड़ी यहीं पर आ रही होगी। ई नॉट सेल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो उसमें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेके यहाँ प्लस लगा दो, एक ही बात है ना, ठीक है, एक ही बात है, लेकिन हम स्टैंडर्ड वे से चलेंगे। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड निकाला है और हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है Cu से Cu 2 प्लस का हमको वो दिया है, पोटेंशियल दिया है Cu से Cu 2 प्लस का, लेकिन हमें चाहिए किसका बेटा, हमें एनोड में, देखो एनोड पे आओ, हमें चाहिए Cu 2 प्लस से Cu तक का चाहिए हमें, सॉरी Cu 2 प्लस से 0 का चाहिए, लेकिन हमें दिया किसका है, Cu से Cu 2 प्लस का, यानी कि ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, एक नेगेटिव का साइन इसके पास जोड़ देंगे। तो भैया जो हमारा Cu 0 से Cu 2 प्लस का है, उसका अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो हमारा आ जाएगा किसका, Cu 2 प्लस से Cu का पोटेंशियल। तो भैया यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया हमने, तो लगा दो, तो आरपी ऑफ कैथोड कितना आ गया तुम्हारा, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस 0.34, ठीक है, तो ये हो गया हमारा -0.34, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया भैया, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब देखते हैं भैया, अब हमको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड निकालना है भैया हमको, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है एनोड का। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लेते हैं, Zn से हम जा रहे हैं Zn 2 प्लस में, तो हमको 0 से 0 2 प्लस का दिया, यानी कि हमको ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी हमको क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड दिया है हमको, निकालना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड निकालना है, तो हम इसमें भी एक माइनस साइन डाल देंगे, इसमें भी माइनस साइन डाल देंगे, तो ये हो जाएगा -0.76, ठीक है, -0.76, ठीक है, समझ आ गया सबको, बिल्कुल समझ आ गया भैया, बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। ये देखो माइनस और माइनस दिस एंड माइनस और माइनस दिस, अब तुम इसको जब निकालोगे तो तुम्हारा 1.10 आ जाएगा। इसमें भी मैंने वैसे ही करा है, आरपी ऑफ कैथोड निकाला, फिर आरपी ऑफ एनोड निकाला और दोनों को प्लस कर दिया। आरपी मतलब Zn 2 प्लस से Zn में जाना, Cu 2 प्लस से Cu में जाना, यानी कि अगर हम आरपी ले रहे हैं तो हम रिडक्शन नहीं लेंगे, दोनों से रिडक्शन लेंगे। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाह रहे हैं,
तो हम जेड एन टू प्लस से टू प्लस कर ही लेंगे, हम जेड एन जीरो से जेड एन प्लस टू कर लेंगे, बस यही डिफरेंस था और कुछ नहीं। अगर हम यहाँ ओपी लेंगे तो, अगर आरपी ले रहे हैं तो वही होगा, समझ आ गया। आप देखो जब हमारे पास ई नॉट सेल आ गया तो हम बस वैल्यू रख देंगे, ई नॉट सेल इक्वल 0.059 अपॉन टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस जो कि ये था अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सीओ टू प्लस जो कि ये था हमारा। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो तुमको आंसर आता हुआ दिख रहा होगा, वैल्यू रख लेना, वन वन इतना कुछ आएगा आंसर तुम्हारा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा, बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा लेकिन ट्राई करना समझने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना तुमने समझ गया, चलो बच्चों समझ गए होगे। CU से CU2 प्लस में जाना है, Ag प्लस और AgS ऐसे करके कुछ हमको रिएक्शन दी हुई है, ई सेल हमको दिया हुआ है, हमें सेल पोटेंशियल निकालना है इस सेल का। ठीक है, ये सेल का हमको सेल ई सेल दिया हुआ है, हमें इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। तुम लोग ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पर्पस क्या है ये बताना कि तुमको अगर कंसंट्रेशन अलग भी है, अगर तुम्हारे पास दो जगह पे कंसंट्रेशन अलग भी है लेकिन अगर तुम्हारा सेल सेम है, देखो सेल एकदम सेम है, सी यू सी यू टू प्लस सी यू सी यू टू प्लस ए जी प्लस ए जी प्लस ए जी प्लस ए जी प्लस, अगर तुम्हारा सेल सेम है और कंसंट्रेशन अलग है तो तुम्हारा ई नॉट सेल, दोनों ही सेल का ई नॉट सेल सेम आएगा। ई नॉट सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ई नॉट सेल डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन पे, ये तुमको याद रखना है। तो तुम अगर इतना याद रख लोगे तो कर लोगे। बेसिकली क्या करोगे, ई सेल तुमको दिया है क्वेश्चन में इस सेल का, ठीक है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल करके नेक्स्ट इक्वेशन लगा के ये करके तुम ई नॉट सेल निकाल लोगे। अब तुम्हें इसका इसका तुम्हें सेल पोटेंशियल निकालना है, इसका तुम्हें सेल पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे इस वाले ई नॉट सेल को रख के इसका सेल पोटेंशियल निकाल लोगे, यही तुम्हें करना है सिंपल सा। ठीक है, तो बस कर लो, सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन हमारी ये निकल के आएगी जब तुम एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल को लिखोगे, कैसे देख लो। सी यू से हम किस में जा रहे हैं, सी यू टू प्लस में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, सी यू से सी यू टू प्लस में जा रहे हैं, और ए जी प्लस से ए जी में जा रहे हैं हम। ठीक है, ए जी प्लस से हम किस में जा रहे हैं, ए जी में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ए जी प्लस से अगर हम ए जी में जा रहे हैं, प्लस हम प्लस वन से जीरो में जा रहे हैं, यानी कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, तुम्हारा कैथोड में, तो ये तुम्हारा कैथोड हो गया और ये तुम्हारा एनोड हो गया। अब तुम सिंपल कैसे भी देख सकते हो, लेफ्ट हैंड में जो है वो तुम्हारा एनोड होता है, मैंने ऊपर बताया था एल ओ एन से। ठीक है, अब जब तुम इसको इक्वेशन को लिखोगे तो तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस करके कुछ ऐसी आएगी, कर लो बैलेंस यहाँ पे, कर लो, कर लेते हैं तुम्हारे लिए बैलेंस कर। सी यू से सी यू टू प्लस में गए यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ठीक है, और यहाँ से तुम एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया तो भैया यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे तुम यहाँ पे माइनस एक इलेक्ट्रॉन है कि उधर एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर सकते हो, तो उधर ही लिख देते हैं। ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स दिस। ठीक है, अब जब तुम इनको कंबाइन करोगे, क्या करो, इससे इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तुम्हारा क्या आएगा, सी यू प्लस टू ए जी प्लस सी यू टू प्लस प्लस टू ए जी, ये तुम्हारी कुछ इक्वेशन आएगी बैलेंस करके, यही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस करके। अब तुम्हें बैलेंस करना बहुत जरूरी है तभी यहाँ पे तुम ये स्क्वायर ले पाओगे, वरना तुम ये स्क्वायर खा जाओगे। स्क्वायर क्या है, क्योंकि डबल कंसंट्रेशन, जैसे हम के इक्विलिब्रियम निकालते हैं। ठीक है, तो ई सेल, ई नॉट सेल हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पे इक्वेशन लगा के, ये देखो ई नॉट सेल हमारा आ गया। ओके, सी यू की कंसंट्रेशन और ए जी की कंसंट्रेशन उनको दी हुई है, यहाँ पे देखो दी हुई है, सी यू की 0.1 है, ए जी की 0.01 है, हमने यहाँ पे लगा दी उसको, तो हमने यहाँ से ई नॉट सेल निकाल लिया। अब हमें पता था ई नॉट सेल दोनों का सेम आएगा, तो भैया जब ई नॉट सेल दोनों का सेम आया तो हमने अगली वाली इक्वेशन के लिए ई टू निकाल के, ई नॉट सेल दोनों का सेम था, हमने ई टू निकाल लिया सेम टू सेम वही करके, लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस, इस बार कंसंट्रेशन अलग थी तभी तो सेल हमारा अलग हुआ था, तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस का स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो भी आसान कैलकुलेशन थी, कोई कठिन नहीं है, ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन है वो तुम्हारा होमवर्क में, ठीक है, ये वाला तुम्हारा होमवर्क में क्वेश्चन, इसकी तरफ पढ़ते हैं। देखो कभी कभी तुमको इतने खतरनाक से सेल भी दिए होंगे, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने बेसिक्स पे ही रहना है, बेसिक्स पे स्टिक करना जो मैंने बताया था, जिस भी तरह का सेल आ जाए तुम्हारे पास। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा गंदा सा सेल है भाई साहब, देख सकते हो इतना गंदा सा सेल है, इस गंदे के, एक मिनट पेन चेंज कर ले जरा, हाँ, इस गंदे के सेल में तुमको PTH2SCL AGCL क्या क्या दिया अभी देखना, कुछ नहीं है, तुमको इस सेल का सेल पोटेंशियल दिया है। ठीक है, और तुमको कंसंट HCl सॉल्यूशन के मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, HCl सॉल्यूशन के मोल्स दिए हुए हैं, तुम्हें गिब्स एनर्जी निकालनी है। तो गिब्स एनर्जी क्या होता था, मैंने सिखाया था, डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास ई नॉट सेल आ जाएगा तो तुम्हारे पास डेल्टा जी भी आ जाएगा, तो भैया हमें बेसिकली ई नॉट सेल ही निकालना है, उससे हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इतना तो हमें समझ गया हमें करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो भैया ई सेल इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06
अपॉन एन लॉग लॉग ऑफ क्यू, यही करते थे हम, यही करते थे, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होती थी। अब देख लो भैया करना क्या है, अब देख लो उसमें करना क्या है, हटाओ उसको हटाओ। देखो हम, तुम परेशान मत हो ना भैया, ये कितना गंदा सेल क्यू, मैं बताता हूँ कुछ नहीं है इसमें, हमें बस ये देखना है हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है वो किस कितने में, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें कितने में जा रहे हैं, जैसे हम ऊपर देखते थे। तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो है। हाइड्रोजन कहां से कहां में जा रहा है, HCl में जा रहा है। HCl में क्या होगा उसका, H प्लस वन, Cl माइनस होता है, वो तो बस रिएक्शन में घूम रहा है, Cl का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो H प्लस वन यानी कि हमारा जीरो से वन में जा रहा है, तो भैया यहाँ पे प्लस वन का चेंज आया। हमारा AgCl, AgCl अभी प्लस वन में है, AgCl प्लस वन से किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है। तो बेसिकली इतना सिंपल सा सेल है, इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। अब सेल की इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारा एच टू एच प्लस में जा रहा है, हमारा एच टू किस में जा रहा है, H प्लस में जा रहा है, तो उसको हम हाफ कर देते हैं दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए। और हमारा AgCl, AgCl प्लस वन से जीरो में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है, किस में जा रहा था, Ag में जा रहा है सॉलिड में, ठीक है। और ये भैया Pt क्या है, Pt क्या है, तो जब भी हम किसी गैस को लेते हैं, देखो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को लिया है, हाइड्रोजन गैस को लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन गैस के साथ हमेशा प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड्स ही लगाते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया था कि तुम डिब्बे में दो ऐसे करके इलेक्ट्रोड लगा रहे हो किसी किसी मेटल की, एक को कैथोड एक को एनोड बना रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास गैस है, तुम गैस की कैथोड बनाना चाह रहे हो, तो तुम यहाँ गैस तो रख नहीं सकते, गैस कैसे टिक जाएगी किसी कन्फाइंड एरिया में, उड़ जाएगी वो तो हवा में, ठीक है। तो हम उसके लिए यहाँ पे प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं किसी गैस का, समझ आ रहे हो, तो उसका यही मतलब है जो पीटी दिया हुआ है तुमको, ज्यादा कंफ्यूज मत होना उससे। देखो यही थी हमारी इक्वेशन, अब आ जाओ ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख ली, AgCl बराबर हाफ एच टू ए जी एस सी एल माइनस एच प्लस, देखो जिस हमने ऊपर इक्वेशन ओवरऑल करके लिखी थी, ये इन दोनों को प्लस करके दोनों तरफ सी एल जोड़ दिए, समझ गए, ये तो सबको आता होगा यार, मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ई सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, सॉरी ई नॉट सेल आएगा यहाँ पे, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, ई नॉट एनोड। तो भैया वो हम निकाल लेते हैं, एक्स माइनस जीरो, जीरो क्यों आया, जो हमारा एनोडिक हाफ होता है, ध्यान रखना जो हमारा एनोडिक हाफ होता है, ये हमारा क्या था एनोड, और ये हमारा क्या था कैथोड, कैसे भैया 100 बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा एनोड, ये था हमारा कैथोड। तो भैया हमें कैथोड का क्या लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ले सकते हो एंड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम फिलहाल रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए हमें और इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने एक्स मान लिया, और हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल याद रखना जीरो होता है, कंफ्यूज मत होना, जो हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड होती है उसका हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है हमेशा। एक हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, एक हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, सबसे ऊपर उसमें हाइड्रोजन आता है, उसका हमेशा जीरो आता है, बाकी सबका उसके अकॉर्डिंग लिखा होता है। तो हमारा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल होगा वो जीरो आएगा, ध्यान रखना। तो चलो निकाल लेते हैं, अब तो हमें पता लग गया भैया, ई नॉट कैथोड, कैथोड मतलब ये चीज, इसका हमने एक्स मान लिया पोटेंशियल, ठीक है मान लिया भैया। एनोड मतलब हाइड्रोजन, एनोड मतलब हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन का हमेशा जीरो होता है, स्टैंडर्ड है। तो भैया एक्स माइनस जीरो हमारा ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट सेल आ गया, तो भैया हम ई सेल भी निकाल लेंगे, ई नॉट सेल आ गया तो भैया हम ई सेल भी निकाल लेंगे। ई सेल कितना आएगा भैया तुम्हारा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन वन लॉग ऑफ सी एल माइनस प्लस एच प्लस, ठीक है। और ई नॉट सेल हमने एक्स माना था, ई सेल हमको क्वेश्चन में गिवन है, और लॉग ऑफ सी एल माइनस एच प्लस कैसे आया वो भी दिखा दे तुमको, आ जाओ ठीक है, वो भी दिखा देते हैं। तुम्हारी ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तुम्हें क्या करना होता है, लॉग क्यू का क्या मतलब होता है तुम्हारा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट में यहाँ पे गैस है यहाँ पे सॉलिड है, दोनों को ही नहीं लेंगे, खाली एक्वस वाले लेते हैं। तो भैया एक्वस यहाँ पे क्या है, सी एल है, यहाँ पे एच प्लस है, तो दोनों प्रोडक्ट साइड में, इसलिए सी एल का कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, और तुम्हारा एच प्लस का कंसंट्रेशन हो गया, समझ गए होगे, बहुत ईजी था, ओके भैया बिल्कुल, ठीक है समझ गए बच्चों, बिल्कुल। एन की वैल्यू वन थी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये देखो एक ही हो रहा है ना, एजी एजी प्लस से एजी जीरो में जा रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एच प्लस से सॉरी एच जीरो से एच प्लस में जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो एन की वैल्यू हमारी वन हो गई। तो यहां से हमने ई नॉट सेल जो कि हमने एक्स माना था निकाल लिया, और जब हमने एक्स निकाल लिया तो हमने डेल्टा जी भी निकाल लिया माइनस एन एफ ई करके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है वो है आज का होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन में बेसिकली मैं तुमको थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगा, खुद पढ़ लेना एक बार, तुमको क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है किसी सेल का,
2 वोल्ट और 300 केल्विन पे, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, तुमको क्या पूछा है, इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पूछा है और तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है 2 वोल्ट। कर लोगे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, और आर की वैल्यू भी तुम्हें दी गई है और एफ की वैल्यू भी तुमको दी गई है। ध्यान रखना इसमें अगर आर आर की वैल्यू एफ की वैल्यू अलग से दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, 0.06 वाला फॉर्मूला मत लगाना, तुम वो वाला लगाना जो मैंने तुमको बताया था ना, स्टैंडर्ड, तुमको जब टेम्परेचर प्रेशर दिए होते हैं। कहाँ चला गया, ऊपर था, बहुत ऊपर था। ये देखो, ये आर टी बाय एन एफ लगाना। मैंने क्या बोला था, आर में गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू रख देता था मैं और एफ में फेरेडे कॉन्स्टेंट की वैल्यू रख देता था और एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर देता था मैं, तो भैया हमारा फाइनल ये आ जाता था वैल्यू मल्टीप्लाई कर करके। लेकिन अगर तुमको आर टी एन एफ दिया है तो तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो उनके अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी, तो तुम्हें यहाँ पे सीधा वही लगना होगा, ठीक है। तो वो लगा देना, एक तो तुमको ये चीज करनी है, ठीक है, एक तो तुमको ये चीज करनी है कि तुम्हें दूसरी तरह की नेक्स्ट इक्वेशन लेनी है सेकंड वाली बिना वैल्यू रखे, और दूसरा तुमको क्या बोला है, तुम्हारा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तुम्हें। याद रखना, जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो गया होगा, मान लो हम वापस से उस अपने डिब्बे को वापस ले आते हैं, तुम्हारा कैथोड हो गया, ये तुम्हारा एनोड हो गया, प्लस वाले पे कैथोड जुड़ी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से भैया समझ गए। जब हम इसका के इक्विलिब्रियम निकाल लें, इक्विलिब्रियम मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना ही चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली ये भी सेचुरेशन पे पहुंच गया है, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होने थे यहाँ पे भी फ्लो हो गए, यहाँ से भी निकल के चले गए, तो ये हमारे कहाँ पे आ गए, इक्विलिब्रियम पे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो रहे हैं तो भैया पोटेंशियल तो क्रिएट ही नहीं होगा, ई सेल बराबर जीरो, जितना यहाँ पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे उतना ही है, कोई फ्लो ही नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस चला गया है, फ्लो चला गया है, तो भैया क्या होगा, कोई पोटेंशियल ही क्रिएट नहीं होगा, यानी कि ई सेल हमारा जीरो आ जाएगा। तो जब भी तुम के इक्विलिब्रियम निकालना चाहते हो तो तुम्हारा ई सेल की वैल्यू जीरो आती है, समझ गए होगे, यहीं से तुम्हें निकालना है बेसिकली। और करो क्वेश्चन करो, और सारे बच्चे पीवाईक्यू जाके सॉल्व कर लेना, पीवाईक्यू जाके सॉल्व कर लेना, और कोई भी तुम्हें डाउट लग रहा है तो या तो मुझसे इंस्टा पे पूछ लो या टेलीग्राम पे या तुम कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। बेसिकली यही थी आज की वीडियो, मजे आए, पसंद आई, इससे पहले भी तुम जाके देख सकते हो, उससे पहले भी तुम जाके देख सकते हो, 3-4 वीडियो मैंने बना रखी है और ये सीरीज एंड तक चलेगी, तो भाई तुम्हारे हर वीडियो में +4 मार्क्स मैं कन्फर्म करा रहूंगा, ये मेरा वादा है। चलो फिर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थोड़े व्यूज और लाइक्स बढ़ा दो यार, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ पाती है, मेरे तक मोटिवेशन पहुंचाओ। बाय बाय, सी यू।